बाजार से बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। इन बल्लों को आप रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ बाजार जैसे भल्लों की रेसिपी शेयर करूंगी, बल्कि बाजार से बहुत ही अच्छे भल्लों की रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने ली है दाल माश तकरीबन 1 कप, और इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और अब ये काफ़ी फूल चुकी है और इसकी ये कंडीशन थी। अब मैं इसको ग्राइंडर जग में ऐड कर दूंगी और यहाँ पे कुछ देर इसको मैं ग्राइंड करूंगी, और इसके बाद जी इसकी ये कंडीशन है। और यहाँ पे मैं स्पेचुला की मदद से इसको साइड्स क्लियर करती जाऊंगी और सेंटर में इस दाल को करती जाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं 2-2 चम्मच करके पानी ऐड करती जाऊंगी। पानी ऐड करेंगे लेकिन हम कम से कम पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने अब पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसको दोबारा ग्राइंड करूंगी। सेकेंड टाइम ग्राइंड करने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो चुकी थी। ये काफ़ी हद तक ग्राइंड हो चुकी थी लेकिन अभी इसमें दाना बाकी था, और इसलिए मैंने स्पैचुला की मदद से इसको साइड्स दोबारा क्लियर की और फिर से इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने 3 से 4 बार इसी तरह मैंने ग्राइंड किया था, और इसका जब तक स्मूथ पेस्ट नहीं बन गया तब तक मैंने इसे ग्राइंड किया था। आपको ये प्रोसेस जितनी बार मर्जी करना पड़े, 4 बार 5 बार, लेकिन आपको ये स्मूथ पेस्ट ही करना है, फिर ही आपके भल्ले बहुत मज़े के बनेंगे। अभी मैंने आधी दाल मतलब आधा बाउल दाल का मैंने ग्राइंड किया है और इसमें तकरीबन आधे कप से कम पानी मैं ऐड कर चुकी थी, और तकरीबन 8 चम्मच मैंने पानी के ऐड कर दिए थे। इस तरह से दाल का बहुत स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया, और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट है और इसमें दाना बिल्कुल नहीं है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब आप पेस्ट रेडी करें तो इसमें दाना बिल्कुल ना हो। अब मैं इसको एक बीटर की मदद से मैं इसको व्हिप कर लूंगी, जैसे हम फ्रेश क्रीम केक के लिए क्रीम व्हिप करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमने इसे व्हिप करना है। बहुत ही मज़े का बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर है और ये अपने साइज से ज़्यादा हो जाएगा, और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बिल्कुल फोम की तरह। जिस तरह फोम बहुत लाइट वेट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह लाइट वेट होगा। 2 से 3 मिनट इसको बीट करने के बाद मैंने इसकी साइड्स क्लियर की, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड करना है। सिर्फ 2 चुटकी मैंने यहाँ पे मीठा सोडा ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको दोबारा से बीट करूंगी। बीट आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से आप इसको बीट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पहचान ये है कि ये कब तक रेडी होगा हमारा मिक्सचर। यहाँ मैंने बाउल में पानी ऐड किया है और इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर दिया है। ये मिक्सचर ऊपर पानी के तैर रहा है, ना कि ये पेंदे के साथ टच हुआ है। अगर ये ऊपर ही ऊपर सतह पे रहे तो इसका मतलब है हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और भल्ले फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैं इसकी साइड्स क्लियर कर रही हूँ ताकि हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो और साइड्स पे लगा ना रहे, और अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। यहाँ पे आप चम्मच की मदद से भी ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद आप हैंड की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप हाथों की मदद से जब ये मटेरियल उठाना चाहें तो पहले अपने हाथों को गीला करें और फिर ये मटेरियल पकड़ें, और फिर ड्राई हैंड में इस मटेरियल को रख के कढ़ाही में ऐड कर दें। मटेरियल को व्हिप करने के बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट का रेस्ट देना है। अब देखें ये किस तरह से फूल चुके हैं, और एक स्टिक की मदद से मैं चेक कर रही हूँ कि इसकी एक साइड पक चुकी है या नहीं, और इस तरह से मैं स्टिक की मदद से ही इसकी साइड्स अब चेंज कर दूंगी। ये मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूंगी, और जब इसकी दोनों साइड्स थोड़ी सी पक जाएंगी, क्रंची हो जाएंगी, तो मैं इसको निकाल लूंगी। ये हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना, वरना अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से जल जाएंगे। अब ये मैंने दोनों वेज इसी तरह से रेडी कर लिया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे भल्ले रेडी हो चुके हैं, और अभी ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और मैं आपको यहाँ पे इसको चेक करवाती हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत ही फ्लफी और बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं, और अंदर से बिल्कुल जालीदार और बहुत ही फ्लफी, बिल्कुल फोमी फोमी सा टेक्सचर, और बाहर से क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और बाजार से बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं।
इन बल्लों को आप रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आएंगे आप इसको जिपलॉक बैग में ऐड करके इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। ये 6 महीने तक आप इसको फ्रीज कर सकते हैं आराम से, पूरा रमजान, और जब दिल चाहे आप इसको यूज करें। यहाँ पे अब मैं भल्ले तैयार करने लगी हूँ। यहाँ मैंने दही को बीट किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी, और यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा भी ऐड कर दिया, और इसके बाद जी मैंने इसको भी मिक्स कर दिया। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी तैयार की थी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना ऐड करके, और उसको भी मिक्स कर दिया। और यहाँ मैंने कुछ भल्लों को पानी में भिगो के रखा हुआ था और अफ्तारी का टाइम करीब था, और दोनों हाथों की मदद से निचोड़ के इसका सारा पानी और घी, और इसके बाद जी मैंने इसको दही में ऐड कर दिया। और यहाँ मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। मैंने जो चाट मसाला तैयार किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही मजे का ये चाट मसाला है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। आप ये चाट मसाला एक बार बना लेंगे ना, दोबारा आप बाजार का यूज नहीं करेंगे। भल्लों को मैंने दही में प्रेस कर दिया, और इसके बाद जी मैंने इसके ऊपर दोबारा से ग्रीन चटनी, चाट मसाला और थोड़ी सी रेड चिली भी ऐड कर दी थी। फिर टमाटर और प्याज भी ऊपर डेकोरेशन के लिए ऐड कर दिए। इस तरह से अब जी हमारे दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़े के डिलीशियस दही बड़े तो हर कोई बना ही लेता है, लेकिन भल्ले अगर खुद से बनाए जाएं और उसके दही बड़े बनाए जाएं तो कमाल ही हो जाए। दाल के ये भल्ले आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही डिलीशियस हैं। बेशक ये चीज़ें बाजार से रेडीमेड मिल जाती हैं, लेकिन अगर अपने हाथों से बनाकर अपने प्यारों को खिलाई जाए इसकी तो बात ही कुछ और है। और ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।